इमरान खान को इनको अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जितना बुरा वक्त था वो लगभग 80-85% निकल गया। अब तो वो बाहर के दरवाजे के जो बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, दो चार कदम और वो बाहर। बिल्कुल इमरान खान को अभी इनको बाहर करना ही पड़ेगा भाई। और पेज मुझे लगता है फाइनल जीरे होने वाली है, केस में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। अब नहीं रोक पाएंगे ये, जितना इन्होंने करना था, चाहे मजाकरात करके निकाले, चाहे शांति से निकाले, चाहे कोर्ट के जरिए से निकाले, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर में निकाले, चाहे पब्लिक के प्रेशर में निकाले, छोड़ना तो पड़ेगा। तो मतलब इस साल खान साहब बाहर तो आए ही आए, उनको कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। बिल्कुल नहीं रोक सकते। इमरान खान का खैर मकदम करो भैया, आने वाला है वो। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया वाले नारे लगने शुरू होंगे। और ये जो आप ये आपका ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं जी, अब ये शहबाज शरीफ सदर नहीं रहे पार्टी के, अब नवाज शरीफ सदर बन गए हैं, ये म्यूजिकल कुर्सी है, इनके चक्कर में मत आना, ध्यान भटका रहे हैं। अपने मुल्क की सोचो, इन नेताओं की और मजहब की चटनी चाटने का काम मत करो, अपने मुल्क की तरक्की का सोचो। अरे यार बाबू, ये इन्होंने म्यूजिकल चेयर कुर्सी बनाई हुई है जो संगीत में होता है ना, शादियों में निकाहों में, घर घर के बैठ जाते हैं, वो उठ जाता है, वो बैठ जाता है, वो उठ जाता है, वो बैठ जाता है, नया क्या है इसमें। और मैं पार्टी को और पाकिस्तान को खड़ा कर दूंगा, तो पहले पहले भी तो आप ही थे, कोई पार्टी के सदर तो रहे हैं ना, कितने सालों तक, 3 बार वजीरे आजम रह के क्या कर लिया जी पाकिस्तान का, भटा गोल करने के अलावा पनामा लीक किया,